जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्लड एंड ब्लड ग्रुप के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक रक्तदाता प्रकार कौन सा है? तो कौन सा है आपका, वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप में भी कौन सा ओ नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्लड ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं, ब्लड ग्रुप यानी जो RBC होता है उस पर एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, वही उसका क्या होता है, ब्लड ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप पर आपका कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एंटीजन और बी प्रकार के एंटीजन, तो इस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता प्रकार कौन सा है आपका, ओ में कौन सा आपका ओ नेगेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है आपका, वो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यानी ये किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप से आपका ब्लड ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप पर आपका एंटीजन ए बी पाया जाता है और आपका एंटीजन बी भी पाया जाता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा है आपका, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, रक्त का कौन सा घटक जमने के लिए जिम्मेदार होता है बताइए, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है आपकी वो किसके लिए होती है, मतलब किससे होती है? तो आपकी वो प्लेटलेट से होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है आपका, थ्रम्बोसाइट इसका अन्य नाम यानी दूसरा नाम हो जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या की बात करें हम तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड होती है, ठीक है, और इसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। केवल आपका WBC में केंद्रक पाया जाता है, ना कि ना ही तो RBC में पाया जाता है और ना ही प्लेटलेट्स में पाया जाता है, सिर्फ WBC में आपका केंद्रक पाया जाता है। तो रक्त का कौन सा घटक बताइए जमने के लिए जिम्मेदार, यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, तो प्लेटलेट्स होती हैं, जो आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ठीक है, और जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है इसकी सहायता से और विटामिन के की सहायता से आपका रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सबसे सामान्य रक्त प्रकार कौन सा है? तो कौन सा होगा आपका, वो ऑप्शन नंबर डी यानी जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सबसे नॉर्मल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ओ में भी कौन सा आपका जो पॉजिटिव होता है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रक्त प्रकार सबसे दुर्लभ है बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, वो ए बी हो जाएगा। ए बी में कौन सा आपका, ए बी नेगेटिव हो जाएगा, वो सबसे रेयरेस्ट है यानी सबसे दुर्लभ है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, रक्त प्रकार बी में कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है, ठीक है। तो मैंने बताया जो ब्लड ग्रुप होता है उस पर वही एंटीजन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो उस पर बी एंटीजन पाया जाएगा, ए प्रकार का ब्लड ग्रुप होता तो ए एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त प्रकार किसी भी प्रकार का रक्त प्राप्त कर सकता है बताइए, तो यानी जो सबसे प्राप्त कर सकता है वो कौन सा था आपका, ए बी ब्लड ग्रुप था, ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो ए बी आपका पॉजिटिव होता है वो होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा डीप पूछे आपसे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है प्रत्येक कोशिका को, तो रक्त का कौन सा घटक क्या ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। रक्त क्या है, एक प्रकार का हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। तो कौन ले जाता है आपका, वो रेड ब्लड सेल्स ले जाता है, यानी आरबीसी, आरबीसी हैं ऑक्सीजन को ले जाती हैं, ठीक है। आरबीसी का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। देखिए जिसका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण बता रहे हैं, आरबीसी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आरबीसी का निर्माण होता है आपका रेड बोन मैरो में, ठीक है, रेड बोन मैरो में, यानी लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और देखिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा क्या है, जैसे आपका देखो निर्माण इसका क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे भ्रूणी अवस्था में, यानी जब बच्चा होने वाला होता है, ठीक है, भ्रूण बोलते हैं ना छोटा शिशु, जब भ्रूणी अवस्था में, यानी आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, वो स्प्लीन से ही होता है, स्प्लीन और थोड़ा भाग वो यकृत भी करता है, ठीक है, उसका आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, स्प्लीन को ही कहा जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। देखिए आरबीसी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं, इनका कभी कभी शेप यानी आकृति पूछ लेता है, तो इनकी आकृति क्या होती है, बाई कॉनकेव शेप होती है, यानी उभयावतल होती है, ठीक है। ये आपके आरबीसी से कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर की उपस्थिति क्या इंगित करती है, बताइए। तो क्या करती है वो, कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है आपका, ठीक है, ये बताता है किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नहीं है। देखिए अब ये पॉजिटिव ही क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं, तो देखिए जब आरएच फैक्टर की खोज हुई थी तब सर्वे हुआ था, तो जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, मानव जो वर्ल्ड की क्या थी, पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें क्या था आरएच फैक्टर, जो देखिए मान लो 100% पॉपुलेशन थी, ठीक है, तो इसमें जो 80% था उसमें क्या था, आरएच फैक्टर पाया गया था, ठीक है। जिनमें आरएच फैक्टर आपका पाया गया था उन लोगों को क्या कहा गया था, पॉजिटिव कहा गया था, ठीक है, यानी आरएच पॉजिटिव कहा गया था, जिसमें नहीं था उन्हें आपका आरएच यानी नेगेटिव कहा गया था, ठीक है। तो यही था, तो ज़्यादा आबादी कहाँ थी आपकी, 80% में थी, ठीक है, 80% क्या था आपका, आरएच पॉजिटिव था, और जो 20% भाग था आपका वो आरएच नेगेटिव था, ठीक है। यानी क्या हो गया, देखो आरएच जो पॉजिटिव थे, जो आपके ब्लड ग्रुप पहले कौन से चल रहे थे, ए बी और ए बी और ओ चल रहे थे, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा बता देते हैं, तो ये 80% ये थे और 20% नेगेटिव वाले थे, तो जो ए और बी और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप थे, ठीक है, तो जिनमें आरएच फैक्टर पाया गया था उनको पॉजिटिव कहा था, तो जिनका था वो ए पॉजिटिव हो गए, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, जो नेगेटिव वाले थे ऐसे ही ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ज़्यादातर आबादी क्या थी आपकी, आरएच पॉजिटिव थी, तो इसलिए पॉजिटिव ब्लड टाइप्स को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह नहीं है, तो देखिए ए बी और ए बी होता है, ओ बी होता है, लेकिन आपका जो सी है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है।
देखिए, जो लैंडिशन थे, ठीक है, इन्होंने की थी, देखिए, लेकिन अगर पूछ ले आपसे आर एच ब्लड ग्रुप, ठीक है, आर एच ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने की थी, तो इसमें लैंडिशनर भी थे, ठीक है, और आपका एक थे साइंटिस्ट, कौन थे, वीनर थे, ठीक है, वीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर एच फैक्टर की खोज की थी, ठीक है, तो ये दोनों ने मिलके की थी, लेकिन ए बी ओ पूछ ले तो आपकी लैंडिशनर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रॉपर पूछ ले कि ए बी जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी आपकी स्टूलली, ठीक है, स्टूलली और आपका डेस्टलीज, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, तो ए बी ओ की किसने की थी, कार्ल लैंडस्टेन ने। आर एच फैक्टर की बात करें तो आपका लैंडस्टेन के साथ कौन था, वीनर थे, ठीक है, अगर पूछ ले आपके ए बी की किसने की थी, प्रॉपर पूछ ले, तो स्टूलली और डेस्टलीज थे, दो साइंटिस्ट इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा रक्त घटक शामिल होता है, बताइए, तो कौन सा होता है, वो आपका डब्ल्यू बी सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखिए डब्ल्यू बी सी का अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है आपका ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है, क्या होता है, ल्यूको साइट्स होता है, ठीक है, देखिए जो डब्ल्यू बी सी है उसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन होता है इसका जीवन काल, ठीक है, और इसमें केंद्रक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो केंद्रक है वो पाया जाता है आपका, ठीक है, इसमें केंद्रक क्या है, पाया जाता है आपका, इम्यूनिटी पावर कौन बढ़ाता है या इसकी रक्षा करता है, कौन करता है, आपका डब्ल्यू बी सी करता है, ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू बी सी आपकी कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की क्या, 5 प्रकार की होती हैं आपकी डब्ल्यू बी सी, कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी मोनोसाइट, बेसोफिल, इसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल होती हैं, ठीक है, ये 5 प्रकार की क्या होती हैं आपकी, ये डब्ल्यू बी सी के आपके प्रकार हैं, ठीक है, अब देखिए जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो आपकी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, सबसे कम मात्रा में आपकी कौन सी होती है, बेसोफिल जो होती है आपकी सबसे कम मात्रा में होती है, ठीक है, तो ये आपके डब्ल्यू बी सी के प्रकार हो गए, ठीक, थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो किसी और वीडियो में बताएंगे, ठीक, पूरा डब्ल्यू बी सी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके डब्ल्यू बी सी के प्रकार होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसोफिल्स और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, जो बेसोफिल होती है इसको क्या कहते हैं, भड़काऊ प्रतिक्रियाएं इससे ही होती हैं, ठीक है, इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन इससे ही होती हैं, इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन जो होती हैं वो इससे ही होती हैं, ठीक है, जैसे आपको किसी ने चांटा मार दिया, ठीक है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, गाल पर लाल हो जाएगा, ठीक है, आपको कहीं चोट लग गई तो वो सूजन आ जाएगी, ठीक है, आपको कुछ चीज़ गर्म लग गई, ठीक है, तो आपको लगे ना, मतलब जल गया जैसा लगता है, ठीक है, आपको कहीं दर्द हो रहा है तुरंत, ठीक है, तो ये आपकी भड़काऊ यानी इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन होती है, ये बेसोफिली ये नियंत्रित करता है, ठीक है, ठीक है, और देखिए जो आपकी इसिनोफिल होती है ये क्या करती है, एलर्जी का संकेत देती है, ठीक है, हमें एलर्जी हो जाती है ना, तो ये एलर्जी का संकेत देती है, और देखिए जो आपकी लिम्फोसाइड होती है ये क्या करती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है, क्या करती हैं, जो लिम्फोसाइड आपका एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त से बना होता है, बताइए, तो 7 से 8% भाग जो है
वो आपका रक्त से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रक्त जो है आपका वो क्षारी प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी क्षारी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन की तरह कार्य करता है, रक्त हमारा बफर सॉल्यूशन। देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है आपका ये एसिड और बेस को, यानी अम्ल और क्षार को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, यानी एक संयोजी ऊतक है आपका क्या, ब्लड। तो कितना परसेंट होता है भाग, 7 से 8% रक्त से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, देखिए जो रक्त का 55% भाग होता है, यानी 55 जो भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, और जो 45% है उसमें आपकी ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कार्पल्स, जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो होती हैं। ब्लड कणिकाएँ में कौन कौन होती हैं आपकी, RBC होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, WBC होती हैं। ठीक है, जो आपकी RBC होती हैं वो 41% होती हैं। ठीक है, और WBC और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, उसमें 4% की होती हैं। ठीक है, और रक्त का ये तीन भाग होते हैं, ठीक है, रक्त में, तो 55% भाग क्या होता है इसमें, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 55% में भी क्या होता है इसमें, 91 से 92% क्या होता है इसमें, वाटर पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में। ठीक, जो प्लाज्मा है इसमें क्या क्या पाया जाता है आपका, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका, ठीक है, गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, लवण यानी मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में आपके प्रोटीन भी होते हैं, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कौन सी रक्त कोशिकाएँ ल्यूकोसाइट के रूप में भी जानी जाती हैं, बताइए, तो कौन सी जाती हैं आपकी, ल्यूकोसाइट किसे किसको कहा जाता है, जो आपकी WBC होती हैं उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए RBC का नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं, थ्रम्बोसाइट से जानते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा आपका 55% भाग रक्त में होता है, तो ल्यूकोसाइट किसका नाम है आपका, WBC का होता है। 5 प्रकार की होती हैं जो आपकी WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त का सामान्य pH रेंज क्या है, तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7.35 से 7.45, तो इसकी रेंज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है आपकी, मीजोडर्म से होती है। कहाँ से होती है, मीजोडर्म से होती है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए MCQ में थोड़ा सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम किसी दिन थियोरी की क्लास ली जाए। ठीक है, तो उसमें सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।